बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कराची की मशहूर चना चाट की रेसिपी, और बिल्कुल ठेले वाली जैसी होती है उसी तरीके से मैं इसको बनाऊँगी। बहुत ही टेस्टी बनती है ये घर में, तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो सबसे पहले हम चना चाट के लिए इमली की खट्टी मीठी चटनी बना लेते हैं। तो इमली का पल्प लिया है 1/4 कप, इसको हम पैन में डाल देते हैं। साथ ही हम लेंगे इसमें खजूरें जो कि 7 से 8 अदद हैं, इसके सीड्स निकाल लिए थे, इसको भी डाल देते हैं। इसी के साथ अब हम डालेंगे इसके अंदर ब्राउन शुगर, अगर आपके पास गुड़ है तो गुड़ डाल सकते हैं। ये तकरीबन 4 से 5 खाने के चमचे हैं, ये हमने डाल दिया। भुना कुटा ज़ीरा डालेंगे 1 चाय का चमचा, आधा चाय का चमचा हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, काला नमक हम डालेंगे इसमें 1/4 चमचा, और नमक हम इसमें शामिल करेंगे हसब ज़रूरत। और अब हम इसमें डालेंगे 150 ml के करीब पानी, और पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे, और इसको मीडियम टू लो आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि ये अच्छे से थिक नहीं हो जाती। अब 15 मिनट के बाद ये चटनी हमारी बन के तैयार है, स्लाइटली थिक हो गई है, तो इसका चूल्हा बंद कर देते हैं और साइड में कर देंगे। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ हमने उबले हुए चने लिए हैं जो कि 400 ग्राम है, और ये चने जब मैंने बॉईल किए थे तो देखें इसके अंदर जो गाढ़ा पानी होता है इसको मैंने वेस्ट नहीं किया, इसको मैंने इसी में बॉईल रहने दिया है। बहुत अच्छा लगता है चना चाट में। इसी के साथ अब हम डालेंगे इसमें 2 मीडियम साइज़ के आलू, जिसको मैंने थोड़ा सा फूड कलर और हल्दी डाल के बॉईल कर लिया था, थोड़े से मैंने इसमें से उठा लिए हैं गार्निशिंग के लिए। और अब हम इसमें साथ ही डालेंगे बिल्कुल बारीक कटे हुए टमाटर हैं ये, जो कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं जितने आपको चाहिए हों। साथ ही हम डालेंगे इसमें कटी हुई प्याज, और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें हरा धनिया। और इसी के साथ अब हम डालेंगे इसमें दही बड़ों का चाट मसाला, जो कि मेरा होममेड है, इसकी रेसिपी मैं जल्दी अपलोड करूँगी। 1 खाने का चम्मच हमने डाल दिया है इसमें। इसी के साथ हम डालेंगे इसमें काला नमक, जो कि तकरीबन 1/2 चाय का चमचा हम डालेंगे। इसी के साथ शान का चना चाट मसाला डाल रही हूँ मैं 1 चाय का चमचा। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे हम इसमें थोड़ी सी। इसी के साथ हम एक खट्टा सा पानी बना लेते हैं, तो 100 ml पानी डालेंगे हम बाउल में। साथ ही हम डालेंगे आमचूर पाउडर 1 खाने का चमचा। तो बाज़ार वालों के पास एक खट्टा सा पानी होता है, बिल्कुल वही टेस्ट आएगा आप जब इस तरीके से बना के आप डालेंगे चाट में। तो ये थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं बस, और अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो इसको साइड में कर देते हैं। दूसरी तरफ हमने 1 कप दही लिया है जो कि काफ़ी गाढ़ा दही है, इसके अंदर हम 2 खाने के चमचे पिसी हुई चीनी के डालेंगे और इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। और ये गाढ़ा सा दही बनके तैयार हो गया है, इसको साइड में कर देते हैं। दूसरी तरफ हम चाट को असेंबल कर लेते हैं। तो इसमें हम तैयार की हुई चना चाट डालेंगे, और ये हमने लेयर लगा दी है चनों की। इसके ऊपर पोर करेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी की, जितना आपको अच्छा लगे उतना डाल दें। साथ ही हम डालेंगे ये थिक योगर्ट मीठा, ये भी आपकी मर्ज़ी है, जितना आप डालना चाहें डाल सकते हैं। और इसके ऊपर थोड़े से हम डालेंगे प्याज के ये लच्छे, साथ ही हम इसके ऊपर थोड़े से डालेंगे ये टमाटर, और इसी के साथ हम डाल देंगे बचे हुए आलू जिसको मैंने उठा लिया था, और साथ ही हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा हरा धनिया। तो अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे दही बड़ों का चाट मसाला, और साथ ही हम डालेंगे इसमें चने का भी चाट मसाला। तो ये आपकी अपनी च्वाइस है, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं आप। बहुत से लोग कम खाते हैं, बहुत से लोग ज़्यादा खाते हैं, तो ये टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमने स्प्रिंकल कर दिया, और अब हम इसमें डालेंगे पापड़ी जिसको मैंने तोड़ लिया था ऑलरेडी, इस तरीके से हम डाल देंगे। तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को पापड़ी बनाना सिखाई थी, तो आप वीडियो को देख सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम पोर करेंगे दही मीठा वाला, और इसी के साथ हम थोड़ी सी इमली की चटनी भी डाल देंगे, और साथ ही हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। और अब हमने इस पर थोड़ा सा कर दिया है स्प्रिंकल चाट मसाला। और ये थी मेरी आज की रेसिपी चना चाट की स्ट्रीट स्टाइल में, बिल्कुल ठेले वाली। तो ज़रूर ट्राई कीजिए मेरी इस रेसिपी को, बहुत ही मज़े की बनती है। बना के इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।